नमस्ते। आमर आलोचना चली थिला अंध रातिर सूर्य गल्प। गाल्पिक महापात्र नीलमणि साहू एवं कथार आख्यान भाग जेतिकी पर्यंत आलोचना हे थिला जेउठी मृत्युंजय बाबू ओ चंद्रमोहन बाबू संध्या बेले बजार करिबा पई आसिछंती एवं सेई आसीबा पर्याय रे चंद्रमोहन बाबू विंश शताब्दीर बा अशी दशक रे आतजात हेउथिबा मनीष मानंकर पाशविक प्रवृत्तिर वर्णना करिबाकु जाई उल्लेख करिछंती एक अत्यंत लोमहर्षणकारी ट्रेन दुर्घटनार जो ट्रेन दुर्घटना रे अनेक लोक मृताहत होती किंतु से मानंकु साहाज्य करिबा पई लोक माने सेठी समवेत न होई से माने लुंठन करुछंती एवं कहा हाथरु किए घंटा नहीं जाउछि कहा कानरु किए सुनार जो दूल नहीं जाऊँची कानफुल नहीं जाऊँची तो किए सुटकेस बही नेउची ये दृश्य अत्यंत विभत्स। तेबे मनीष मानंक भितरे थिबा एई जो तामसिक बा आसुरिक प्रवृत्ति सेथिपाई चंद्रमोहन बाबू व्यथित। तेबे एई कथा जेतेबेले मृत्युंजय बाबूंकु से कहउछंती मृत्युंजय बाबूंकर देह मध्य सीतेई उठिछि से सिहेरी उठिछंति एवं आखि तराटी चाहिछंति चंद्रमोहन बाबूंक आड़े तापर दीर्घश्वास छाड़िछंति एवं मृत्युंजय बाबूंक भितरे तथापि सेई पाशविक प्रवृत्ति कुहा जाऊ किंबा तामसिक सत्ता बलवत्तर रहिछि कारण तांकर मन भितरे तथापि खेली बुलुची सीतासागर रोही आउ तांकर आईंस रंकुणी हाउडी बड़ झियो कुनी एई कथा ही केवल से भाभी चली छंती। तेबे हठात तांकर मन को आक्रांत करिछि चंद्रबाबू चंद्रमोहन बाबूंकर एई कथा एवं से भाभी छंती एई मनीष मानंकर चरित्र रे जो विलक्षण जो पाशविक प्रवृत्ति तथापि बलवत्तर रही संभवतः से दायी एमती से भावुंती बड़ निराश तांकु लगी से किछि कही पारुनांती चंद्रमोहन बाबू को तापरे दीर्घश्वास छाड़िछंती वास्तविक बड़ दुखर कथा एवं चंद्रमोहन बाबू पुणी कहउछंती जे पृथ्वी को अतिमानस शक्ति ओल्हाई आसिलानी अथच साधारण मनीष पशु भली सेई हीन स्थूल आवेदनर दास होई रहिछि आश्चर्य आउ शोचनीय। एई परिच्छेद रे जेउ अतिमानस शक्तिर अवतारणा करा जाइछि ताहा होउछि श्री अरविंदंकर जग साधनार फलश्रुति एवं एई जो अलौकिक दिव्य घटनाटी घटी ताहा होउछि 1950 मसीहा डिसेंबर 5 तारीख रे श्री अरविंद ए पृथ्वी रे अतिमानस शक्ति को अवतरण कराई छंती एवं अवतरण कराइबा परे 1956 मसीहा फेब्रुआरी 29 तारीख जाकु गोल्डन डे बोली कुहा जाए श्रीमा से शक्ति को श्री अरविंदंक पाखरु आनी कि निज शरीर रे धारण करिछंती एवं से फेब्रुआरी 29 तारीख गोल्डन डे अवसर रे एई विश्व ब्रह्मांड रे ताहाकु से संपूर्ण भाव रे
प्रसारित करदेइछंती। तार उद्देश्य होउछि ए पृथ्वी रूपांतरित हेब, उत्तरित हेब। साधारण भावरे कहिले मनीष भितरे जो पशुत्व, जो लोभ मोह हिंस्रता भय जहा किछि रहिछि से ताकु अतिक्रम करिजीव। तेबे एही घटना जेतेबेले कहउछंती सेतेबेले मृत्युंजय यही समय गाल्पिक वर्णना करुछंती जे मृत्युंजय बाबूंकर यही कथा को समर्थन को अपेक्षा नकरी बहु कालु जेपरी अपेक्षमाण धूमाण तफान उत्तर पश्चिम कोणरु माड़ी आसिला। माने ये गल्पे जहा होची गोटे टर्निंग पॉइंट झड़ बात्या आसी वैशाख मासरे एवं तार वर्णना देवाकू जाई गाल्पिक उल्लेख करिछंती। प्रथमे सामान्य धूली उड़ाई तापरे चाहू चाहू तुहा कु तुहा पवन तासांग कु ओकारिला भड़ी धमाकुटा वर्षा बिजुड़ी घड़घड़ी दुई तीनटा चड़चड़ी मध्य आखपाखरे कौठी पड़िला। हाउ हाउ होई बयार सबु खेदी गले चारियाड़े माड़ी आसिला लहड़िया अंधार मतुआल पवन अंध भावरे घाउरे देगला पृथ्वी घंटा के सतुरी अशी माइल बेगरे। तेणु प्रकृतिर ये एक स्वाभाविक घटना झड़ बात्या यही रकमर एक खंड प्रलय से सृष्टि करिब एवं सही घटना वर्णना आकु देवाकु जाई काल्पिक उल्लेख करिछंती। प्रतिक्रिया रे एई जो दुई बंधु मृत्युंजय बाबू एवं चंद्रमोहन आत्मरक्षा करिबाकु साइकिल कु पदारे फोपाड़ी दे गोटिए फोटो दुकान भीतर को पसिले ता भीतरे 20-30 पथचारी आश्रय नेथांती। दोकानी कबाट बंद करि देला, घर भीतरे निरापदरे रही सेमाने कानेई रहिले। बाहरे प्रकृतिर तांडव लीला चली, तार नाना प्रकार ध्वंसकारी शब्दराजी सेइथिरु सेमाने बुझुथंती कौन सबु चली बाहरे। तेणु बाहरे प्रकृतिर जो खंड प्रलय तांडव लीला को सेमाने अनुभव करुछंती निरापद भीतरे फोटो दुकान भीतरे रही। मड़ मड़ शब्द होची, गछ माने टळी पडुछंती, डाही मान भांगी जाउची, छपर सबु उड़ी जाउची, सिनेमा घर छातरु टीण चादर मान गुड़ी भली उड़ी जाई केउठी बाड़े हेई जाउथाय। कुआडु सबु मनीष आउ जीवजंतुंकर चित्कार, कारण समस्ते निज जीवन को बंचेइबा पई छटपट होउछंती। सेहीपरी एक झड़ बात्यार मुहूर्त रे पवन हाऊ हाऊ बर्षार झप झप घड़घड़ी साई साई बिजुड़ी हठात घर भितरु आलुओ लिभिगला अंधार बिजुड़ी तार मान छिड़ी गलाणी रास्तारु खुंट मान उपुड़ी पड़िलाणी समग्र सहर अंधार आउ एई अंधार रे एक प्रलय लीला। तेणु आमे साधारण भावरे कहिबा एक काल बैशाखीर शिकार हेइछंती एई दुई बंधु एवं सेई घटनार प्रतिक्रिया देबा को जाई गाल्पिक उल्लेख करुछंती। चंद्रमोहन बाबू एहिपरी एक दुर्योग दुस्थिति बा अत्यंत संत्रस्त भयातुर परिस्थिति भितरे मध्य संपूर्ण स्थित प्रज्ञ भड़ी जेपरी किछि घटना घटी नहीं बा किछि हेबार नहीं से निराशक्त भावरे चुपचाप ठिया हेई थांती। किंतु मृत्युंजय बाबूंकर स्नायु सबु भय आउ आशंकार उत्तेजना रे विव्रत होई पड़ी थांती। तांको मनरे दोका पसी जाय थाए अत्यंत भयातुर से, कारण तांकर मोह तांकर जो आत्मीय सजन तांकर संतान संततिंक पाई अधिक, कारण ये होची स्वाभाविक मानवीय प्रकृति। से भावुछंती पैरेड पड़िया रे तांकर बड़ पुओ कुना साइकिल टायर संगे माती थिला से घर को फेरी थिबो तो
विपद पड़िले आमे समस्ते निजर छुआ पिला निजर आत्मीय स्वजन जहाँ तथाकथित भाव भल पाऊे कहचे तार सुरक्षार कथा ही चिंता करू कारण जो मुहूर्त घंटा के 70-80 माइल बेगर पवन बहुची से छोट पिला काले घर को फेरी नथिबो गछ पत्र को उठी गछ डाल भांगी थिबो इलेक्ट्रिक तार छिड़ी जाइथिबो कौन विपद रे पड़िथिबो कारण एमिति अघटन समय रे मृत्यु मध्य हो जाई पारे तेणु से निरुपाय आशंकर छटपट होती मृत्युंजय बाबू एवं तांकर स्वभाव सुलभ ढंगरे व्याकुल चित्तरे मने मने ईश्वर को डाकी हे मधुसूदन हे दईतारी हे त्रिलोकेश हे आर्तत्राण गज को कुंभीर मुहरु रक्षा करिथिलो मृगुणी को रखिथिलो व्याध हाथरु द्रौपदीर लज्जा निवारण करिथिलो परीक्षित को रखिथिलो चक्र उहाड़ करी मातृ गर्भरे ए संकटरु त्राहिकर प्रभु मणिषर एहा मध्य एक स्वाभाविक प्रकृति से केवल सेतिकी बेले ही भगवानंकर आश्रा लड़े भगवानंकु खोजे एक विपदरे पड़िले उद्धार हेबा पाई आनंदरे जेते बेले से उल्लसित सेते बेले से संभवतः भगवानंकर कथा मने पकाए नहीं जेते बेले विपदरे पड़े से भगवानंकु ही अधिक आश्रा खोजे तेणु ये एक साइकोलॉजिकल नीड से प्रसंगरे मध्य आमे अन्य समय रे आलोचना करिबा तबे गल्परे गाल्पिक जहाँ उल्लेख करुछंती दोकान घर भितरे तांकरे व्याकुल प्रार्थना जेमिति एकाग्र सेमिति आंतरिक आउ आर्द्र होई उठिला अल्प मुहूर्त परे से मन भितरे किंचित आश्वासना ओ भरोसा मध्य पाइले जेहेतु से भगवान को डाकुछंती निसंदेह तांकर किछि सुरक्षा कथा से चिंता करिवे से बहुबार एपरी अनुभव करिछंती जे हृदय जेते बेले भावप्रवण होई उठे आउ जेते बेले नैराश्यर अंधकार घटी आसे चारि आडू निबिड़ होई सेते बेले मन आउ थळकुळ पाएना अर्खित भळी जेते बेले से आशाशून्य निर्मम अंधकार छातीरे मुंड कड़े सेते बेले अंधकार और पथर छाती मध्य तरली जाए सेते बेले से अंधकार निजे एपरी एक गभीर आस्था आउ आश्वासना दिए जहाँ आलुओ देई पारे ना क्रमे तांकु लागिला कुनार से आशंका जर्जर गुरुदायित्व तांको मुंडरु ओल्लाई जाइछि कारण से निजकु निवेदित करि देइछंती भगवानंक पाखरे समर्पि देइछंती जहाँ सचराचर आलुअरे अन्यमानंकर उपस्थितिरे कारण अंधकार मध्यरे जेते अंधकारर अनेक व्यंजनार अर्थ अछि जेउठी से अवशिष्ट पृथ्वीरु निजकु पृथक करि देइछंती निजे अंतर्मुखी हेबार प्रयत्न करिछंती तेणु सेइ मुहूर्तरे से टिके आश्वस्त निश्चिंत से निसंदेह जे भगवानंक पाखरे एई कथा कही दे थिबारु बा दुख टाळीबा पई बा निजकु समर्पि दे थिबारु से रक्षा पाइबे पुणी तांकर मने पड़ी गृहिणींकर कथा से निश्चय प्रमाद गणुथिबे माने एई विपद समयरे से जदियो घरे अछंती से कौन भाबुथिबे से यही जो प्रलय चली से विचारी तांकरी कथा भावुव अथय हो विचलित हो पड़ुव बाहर गच मान भांगुची विजुड़ी खुंट उपुड़ी पड़ुची अस्थिर हो उठुव मन केउठी थिबे से स्वाभाविक भाव स्त्री टीए एकमात्र अवलंबन पति परमेश्वर बाहर को जाइछंती बाहर झड़ हो तेणु आसन्न विपद कथा मध्य चिंता करी से विचलित होउथिबे तेणु प्रथमरे निज पुओ बड़ पुओ कुनार सुरक्षा चिंता कला बेले द्वितीयरे से भावुछंती जे कुनाबौर मनरे शांति दियो बहु समय परे चंद्रमोहन बाबू पार्टी खोलले एवं कहुछंती फेरिबा केमिति मृत्युंजय बाबू माने एबे तो ई झड़रे जो प्रलय हेई जाइछि आउ बजार करिबा ए सब जिनस संभव हेबो नै तांकर घरकु तांकु फेरिबाकु पड़िबो उत्तर से कहते मृत्युंजय बाबू आगे झड़ तोफान कमू
ना कमिले भी फेरी हेबो नाही रास्ता बंद हो जाए माने फेरी हेबो नाही अर्थ होची फेरीबाटा कष्टकर हेबो किछि समय परे वर्षा ओ तूफान कमी आसिला प्राय 45 मिनिट धरी चली थिला देई तांडव तूफान कमीबा परे भयंकर वर्षाटा भी हेला अध घंटाए धरी वर्षा छाड़ते दुई बंधु दोकानु बाहरी साइकेल पाखकु आसिले मात्र साइकेल प्राय अधा पति हो जाइला गोटाए चाड़घर सबुतक नड़ा उड़ी आसी ताऊपर जमा हो जा चारिड़े अंधार मृत्युंजय बाबू तांकर मलिन टर्च टी जलाई कष्टे मष्टे साइकेल उठेले सचेतन लोक अंधार रे फेरिला बेले असुविधा हेपे तेणु पाखरे से टर्च टीए रखिथिले एवं से टर्च साहाज्यरे से आविष्कार करिछंती तांकर साइकेल पोती हे जाइछि झड़रे उड़ी आसीथिबा चाळरे तापरे दुई बंधु साइकेल धरी से निष्प्रभ टर्च आलुओरे बाट अंडाळी अंडाळी घर मुहा चलिले मात्र झड़ तूफानर क्रिया अपेक्षा प्रतिक्रियाटा आहुरी भयावह कारण झड़ आसिकी 45 मिनिट्रे चली जाइछि किंतु जो गच्छ भांगी जो इलेक्ट्रिक तार छिड़ी घर द्वार भांगी तले पकई आहुरी अनेक घटी थिबो ताकू से माने आविष्कार करिनांती तेबे सेही जगार प्रतिक्रियार वर्णना देवाकू जाई से कहउछंती चारियाडे अमुहा अंधार तूफान माडखिया सेही ओदाळिया अंधार भितरे बहु प्रकार रो शब्द बहु लोक आश्रा छाड़ी घर मुहा दौड़ुछंती कारण समस्ते जानिबा पई व्याकुळ जे एमिती एक परिस्थिति रे से माने जहाकू भल पांती से घर होई पारे गच्छवृक्ष होई पारे आत्मीय स्वजन होई पारे गाई गोरु छेड़ी मेंढा जहार जहा प्रति अधिक अनुरक्ति रही छी ता से सुरक्षित अछि कि आमर दौड़ होउची सेइथी पई तूफान पहारखिया कुकुर माने किलबिल होउछंती गोटाए कुकुर केउठी मृत्यु चित्कार करिछि ता उपरे मस्त बड़ एक डाही पड़ी से मुकुड़ी पारु नहीं गछ डाळ भांगी कि कुकुर उपरे पड़ी तेणु बिचरा जंत्रणा रे छटपट होउछि पोखरी कूल रे बाड़ कड़े कड़े चित्कार छाड़ी बेंग माने वर्षा छाड़ी जाइले भी बिजुड़ी चमकुची रास्तार उभय पटु लोक माने छुटी किए कहाकु डाकुची अतर्छा होई किए बा कहाकु पाऊ नहीं किए कहाकु उत्तर देउची चित्कार करी किए बा उत्तर न पाई डाको छाड़ी विभिन्न स्थानरु रास्ता ऊपर को बाहरी आसुचंती लोके किटी किटी अंधार ओदाड़िया मेघुआ अंधार आउ ता भीतर हाऊ जाऊ अंधार बना अतर्छा प्राणी माने घर मुहा माने दौड़ुछंती घर मुहा तेणु मनीष सबु समय रे निजर सुरक्षार बल हुए तो विकासर एक एंतुड़ीशा बोली मध्य में घर को कही पारिबा जेउठु तार जन्म जन्मांतरर यात्रा आरंभ जेउठु उत्तरणर आधारशिला प्रथम पहाच सेइठु ही आरंभ हबो तेणु एई मनीष माने जेपरी छटपट होउछंती अज्ञता भितरे अंधार भितरे कारण ए गपर भिन्न भिन्न व्यंजना अछि भिन्न भिन्न डाइमेंशन अछि ये बाहर अंधार एवं भितर अंधार बाहरे झड़ भितरे मध्य एपरी विभिन्न रकमर झड़र सामना करुछंती विशेष भावरे चंद्रमोहन एवं मृत्युंजय बाबू तेबे दुई बंधु तारी भितरे ए जो झड़र क्रिया आउ प्रतिक्रिया भितरे गछ वृक्ष भांगी जाइछि से डाही मान डें डें चली छंती गोटाए पिला बिजुली तारे छंदी हेई पड़ी चित्कार छाड़ुची किए पंझाए उठी पड़ी सियाड़े दौड़ू छंती से पिला को रक्षा करिवे बोली चंद्रमोहन बाबू थरे पड़ी जाइ पुणी उठी ठिया हेले मृत्युंजय बाबू मध्य पड़ू पड़ू उठी चली छंती कारण आगेरे कौन
ଅଛି ତାହା ଦିଶୁ ନାହିଁ, ମାନେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାରେ କେଉଁଠି ଗଛର ଡାଳ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସାଇକେଲ ଧରିକି ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଳିନ ଟର୍ଚ୍ଚ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ଆବିଷ୍କାର କରିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଘଟଣ ଘଟିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବହୁ ବାଧା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁରେ କଥା ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବିପଦ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ଭାବି ଚାଲିଥିବେ ଯେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିଛି, କିପରି ସେମାନେ ଯେ ଯାହାର କୁଟୀର ମାନେ ଭିତରେ ପଶିଯିବେ, ଆପଣାର ପରିବାରକୁ ନିରାପଦରେ ଥିବାର ଦେଖିବେ, ମନର ସେହି ଉଦ୍ବେଗ ସେହି ଆକୁଳତା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅମୁହାଁ ଧାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା ସୀତାସାଗର ବନ୍ଧ। ବନ୍ଧର ଏକଡ଼କୁ ରାସ୍ତାର ବାମ ପଟେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଆଉ ତେନ୍ତୁଳି ଆଦି ଗଛ, ବେଶ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛମାନ, ଖରାଦିନେ ପତ୍ର ପୁରି ରହିଥାଏ, ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ବହୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଯୁକ୍ତ ଏହିସବୁ ଗଛ, ଏହି ଛାଇ ଓ ଶୀତଳତା ଲୋଭରେ ସେଠି ବାଦୁଡ଼ି ଗହନ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାଦୁଡ଼ି ଓହଳିଥାନ୍ତି ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ। ପାଖରେ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ, ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କର ହୁକୁମ, କେହି ଯେମିତି ଏ ଗହନରୁ ବାଦୁଡ଼ି ନ ମାରନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ସଂସାରରେ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଅସହାୟ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଇତର ପ୍ରାଣୀ ହିସାବରେ ବାଦୁଡ଼ିକୁ ନେଇପାରିବା, କେହି ମଧ୍ୟ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏଇ ମଠର ମହନ୍ତ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠର ମହନ୍ତଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେବେ କେବେ କେବେ ବିଜୁଳି ତାରରେ କେତୋଟା ବାଦୁଡ଼ି ଅଟକି ଯାଇ ମରନ୍ତି, ସେତେକ ମାଂସାସୀମାନେ ଟାଣି ନେଇ ଜିହା ଲାଳସା ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଂସାସୀ କହିଲେ ଆମେ ଏଠି ନିହାତି କାଉ ଚିଲ କିମ୍ବା ସେମିତି ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କଥା କହିବା ନାହିଁ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତାମସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବାର ଲୋଭ, ସେଇମାନେ ହୁଏତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ନାହିଁ ସେମାନେ ଏଇ ଅସହାୟ ବା ମୁମୂର୍ଷୁ ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସୀତାସାଗର ପାଖ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଆଇଁସିଆ ଗନ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଟିକିଏ ବିଚଳିତ ହେଇ ଉଠିଲେ। ଆଜି ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ମରା ହେଇଛି ଏ ପୋଖରୀରୁ ପ୍ରାୟ 3-4 ମହଣ ରହି, ସେଇ ଗନ୍ଧ ଏବେ ବି ଛାଡ଼ିନି ଏଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଲୋଭ ମୋହ, ଆମିଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ, ଜିହ୍ୱା ଲାଳସା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗର ତୃଷ୍ଣା, ତାହା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସୀତାସାଗର ରହି ଆହ ଆଜି ବର୍ଷା ରାତେ ଏଇ ଝଡ଼ ରାତିରେ ଆହା ପଇଁ ଆଇଁଷ ରଙ୍କୁଣୀ ତାଙ୍କର ହାଉଡ଼ି ଝିଅ କୁନି, ମାନେ ସେ ଯଦି ମାଛ ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତେ। ପଡ଼ୋଶୀ ସପ୍ଲାଇ ଅଫିସର ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାସି ଆସୁଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀତାସାଗର ରହିର ତୈଳସ୍ନିଗ୍ଧ ଉତ୍ତପ୍ତ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ବାସନା। ତେଣୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଧନୀ ଲୋକ ସପ୍ଲାଇରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସମ୍ଭବତଃ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୀତାସାଗର ରହି ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଯେହେତୁ ମିଳିଛି ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କର ବାସ୍ନା ୟା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସୁଥିବ। ତେବେ ଏଇ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରାତିରେ ଏଇ ଶୀତଳ ଅବସନ୍ନ ହାୱା ଚାଙ୍ଗା ହେଇ ଉଠୁଥିବ, ଉତ୍ତଳା ହେଇ ଉଠୁଥିବ ସେଇ ଲୋଭନୀୟ ଗନ୍ଧରେ କୁନି, ଯେହେତୁ କୁନିର ଇଚ୍ଛା ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଯୋଗ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବିଚାରି ଛଟପଟ ହେଉଥିବ, ତାର ମୋଟା ମୋଟା କାନପୁଡ଼ା ବିସ୍ତାରି ସେଇ ଗନ୍ଧକୁ ଆଘ୍ରାଣୀ ଯାଉଥିବ, ତାର ଆମିଷଲୁବ୍ଧ ଜିହା ତରଳି ଯାଉଥିବ, ବହି ଯାଉଥିବ, ମାନେ ଗୋଟାଏ ପଟେ ଝିଅର ତଥାକଥିତ ଲୋଭ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ମୋହ,
जहार वर्णना प्रतिक्रिया भली गाल्पिक एठी उपस्थापन करुछंती। तापर से कहउछंती प्रकृत रे ए राती मध्य आमिष ललूपी अति तीव्र आउ हिंस्र तार ए आमिष ललूपता माने जो पर्सनिफिकेशन बोली कुहा जाए जो राती साधारण दृष्टि रे प्रकृतिर एक स्वाभाविक लीला तार मध्य अनेक धार्मिक बा आध्यात्मिक व्याख्या अच्छी। राति दिन सकाळ संज प्रत्येक मुहूर्त विभिन्न रकम व्याख्या करा जाई पारे। स्थूल भाव रे ए राति होउची तामसिकतार ए ताम ए राति होउची आसुरिक प्रवृत्तिर तेणु अत्यंत हिंस्र जिए अन्य को आक्रांत अन्य उपरे अधिकार सब्यस्त अन्य को गिड़ी जीवार मानसिकता जो परिवेश परिस्थिति सृष्टि करे तार परिभाषा मध्य राति हेई पारिबो। तेणु मृत्युंजय बाबू से जो झड़ तोफान परे घर को फेरुछंती चंद्रमोहन बाबू को संगरे से देखुछंती बा गोटे घटना घटुची गोटे शाखा प्रशाखा युक्त डाही संधिरु साइकेल रो पेडलटा मुकुड़ेई साइकेल टेकुटेकु देखिले असंख्य लोक बंध आड़ु रास्ता को छुटुछंती आउ केतेक रास्ता उपरु कौन सबु झांप मारी कुआडे छुटी पळाउछंती। हे हे चित्कार उल्लसित कोलाहल माने लोक मानंक भितरे गोटे अपूर्व सुजोग जेपरि सृष्टि हेछि माने ए दुर्घटना तांको पई गुटे सुजोग सृष्टि करिछि आमिष भक्षण करिवार। चंद्रमोहन बाबू आगेरे चली छंती हटात से अटकी जाय डाको पकाइले मृत्युंजय बाबू सेटु मृत्युंजय बाबू पछरे अछंती से कहउछंती कुहंतु माने हां कोन हैला आ देखिलेनी ना कोन एमिति जेतु अंधार रे केही परस्पर को देखि पारु नांती ए प्रतिक्रिया को गाल्पिक उपस्थापन करुछंती। से कहउछंती सेई गछटी भांगी पड़ी छिनछत्र होई सेई गछटी अर्थ होची जिए एमिति लक्ष लक्ष बादुड़ी को आश्रय देइथिला से बसा भांगी जाइछि गछ भांगी जाइछि आउ लक्ष लक्ष बादुड़ींकर गहन मध्य जाइछि छिनछत्र होई। असंख्य बादुड़ी रास्ता उपरे आहत होई पड़िछंती कहार मुंड छतु होई जाइछि कहार डेणा भांगी जाइछि किए सबु चिपी हेई जाइछंती आउ सेमानंकर से कि विकल चित्कार रास्ता उपरे पाद पकाइबाकु जागा नहीं माळो माळो आहत बादुड़ी आर्त बादुड़ी विकल बादुड़ी मृत बासभ्रष्ट त्रस्त चित्कारत लक्ष लक्ष असंख्य बादुड़ी तेणु झड़र जो भयावहता को सामना करी विपन्न होता यह सृष्टि एक अत्यंत सरल निष्पाप साधारण प्राणी आज ये जंत्रणा कातर मृत्युरे छटपट होउची काल्पिक वर्णना करुछंती। आज राधाकांत मठ महंतंकर करुणापूर्ण आदेश को से आदेश होउची बादुड़ी को जेपरि केही आहत न करंती किंबा मांस हिसाब रे ताकु केही भक्षण न करंती आमर जो तथाकथित विवर्तनवादी वैज्ञानिक सिद्धांत रे जोरदार मूलोक्तार बा सबल उपरे दुर्बल अत्याचार सेई चेतना सेई जीवन शैली रु वर्तमान सुद्धा आमे मुकुली पारि नै तेबे मणीष माने सेना ए बादुड़ी मानंकु खाई नांती किंतु ए विश्व प्रकृति जिए तथाकथित भावरे अंध से तार लीला खेळारे आज बादुड़ी मानंकु हताहत करिछि। तेणु गाल्पिक कहउछंती मठ महंतंकर करुणापूर्ण आदेश को निष्ठुर कराल प्रकृति पदाघात करिछि प्रत्याख्यान करिछि अस्वीकार करिछि तांको कथा प्रकृति काई की मानिबो झड़ वर्षा को अटकेबार सामर्थ्य संभवतः मठ महंतंक पाखरे नाही तेणु छुट्टी आसुछंती से माने अर्थ होची तमो आम भलिया साधारण लोक माने जो माने तामसिकतारे पूर्ण जो माने मांसासी जिह लालसा जो मानंक पाखरे बलवत्तर
तांकर वर्णना करी कहउछंती मांस ललुपी आमिष लुब्ध हिंस्र मणिष माने आम मानक भितर प्रबल तृष्णा मांस भक्षण करिवार हेई पारे एई गल्प लेखा हेबार पचास वर्ष परे मणिष भितर चेतनार परिवर्तन बा रूपांतर किसी मात्रा रे हेई थाई पारे किंतु एबे मध्य पृथ्वीर 90% लोक निसंदेह भावरे आमिष प्रिय हेबा सहित तांको पाखरे जिहा लालसा को परितृप्त करिबार बासना मध्य तीव्र तेणु एई मनीष माने एई झड़ परवर्ती मुहूर्त रे कौन करुछंती ना टोकेई धरी खाली हातरे जे जेते गोटेई पारिला नेई पारिला टाणी पारिला उठेई नेउछंती अंध जड़ प्रकृतिर एई निर्मम विश्रुंखल उद्दाम ध्वंसकारी तांडव लीलार मृत्यु यज्ञर निदारुण अवदान होउछि जो आहत होइथिबा मरी जाइथिबा आहत होइथिबा बादुड़ी माने कहार क्षुधा निवारण पाई विशेष भाव रे एई मणिषर क्षुधा निवारण क्षुधा नुहे याकु आम वास्तव रे क्षुधा नुहे लोभ आसक्ति तापाई एमाने बळी पड़िबे तेणु सेई परिच्छेदर अंतिम वाक्य रे गाल्पिक उल्लेख करिछंती एई अंध तामसी झड़ रातिर तफान क्षुब्ध हिंस्र पाशविक क्षुधा लागी उपयुक्त आहार्य माने ये रातिर खाद्य की माने जहाँ को आहार्य बोली कहउछंती ए बादुड़ी माने राती एक व्यक्ति सत्ता नुहे राती आमे जदि कहिबा प्रकृतिर एक स्वाभाविक अवस्था किंतु अत्यंत सचेतन जो मानक भितर विवेक अच्छी चेतना अच्छी विचारशीलता अच्छी से मनीष माने जेपरी आचरण करुछंती अत्यंत चिंताशून्य भावरे आहत मृत बादुड़ी मानक जिहा लालसा को परितृप्त करने आहार निमन्ते बादुड़ी मानक नेउछंती एक विलक्षण आम ए घटना सहित पूर्व घटना को मध्य जोड़ी पारिबा जेउठी चंद्रमोहन बाबू जो रेल दुर्घटन रे आहत बा मृताहत होइतिबा लोक मानंकु सेवा करिबा परिवर्ते निकटवर्ती ग्राम मानंकर लोक माने आसी तांकर संपत्ति किपरि लुंठन करुछंती जहार उद्धृति बा जहा उल्लेख करिछंती तार एक भिन्न रकमर प्रतिक्रिया जेपरी एई झड़ परवर्ती बादुड़ी मानंकु भक्षण करिबा पई लोक माने जेतेबेले अत्यंत आकुल हेकी अत्यंत कौन कह आसक्त हेकी नहीं जाऊँगी माने लोक साउंटुंट किए के अधिक नहीं पार अधिक नेबार अर्थ होची भितर से आमिष भक्षण भितर थिबा नृशंसता निर्ममता दयाहीनता यही गुण गुड़िकर ही प्रतिफलन गाल्पिक देखते आज एति था आसंता क्लास रे संभवत आमे ताकु सारिबा एवं कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखिपारे नमस्ते धन्यवाद।